बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर रूल्स ऑफ लिमिट। कल हमने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था, लिमिट की डेफिनेशन बताई थी, लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको। आज हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे लिमिट्स के रूल्स लगा के। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो वो फिर क्या है, इनवैलिड है। तो वहाँ पर फिर हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, लिमिट को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। और सिंपलीफाई करने के लिए रूल्स ऑफ लिमिट, तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, एक्स किसको अप्रोच करेगा, ए को। एक्स यहाँ पे वेरिएबल होगा, उसकी पावर आपके पास क्या होगी, एन, और माइनस ए की पावर एन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यानी यहाँ पर वेरिएबल होगा जिसकी पावर आपके पास क्या होगी, एन, और यहाँ पे कांस्टेंट ए है जिसकी पावर होगी एन, और नीचे जो आपके पास एक्स माइनस ए होगा वो लीनियर पावर में होगा, यानी एक्स की और ए की जो पावर होगी वो क्या होगी, लीनियर, और एक्स किसको अप्रोच करेगा, ए को। तो ये किसके इक्वल होता है, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अब अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट करें तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी ज़ीरो ओवर ज़ीरो, ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर अपॉन ए माइनस ए, ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, नॉमिनेटर भी ज़ीरो अपॉन डिनोमिनेटर भी ज़ीरो। तो आपके पास फॉर्म क्या है, ज़ीरो और ज़ीरो, और ये क्या है, इनवैलिड यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, रूल्स ऑफ लिमिट। तो फर्स्ट रूल जो लिमिट का ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, किसके इक्वल, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स की पावर फाइव माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स किसको अप्रोच करेगा, टू को। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह टू पुट करें, टू की पावर फाइव थर्टी टू माइनस थर्टी टू ज़ीरो अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए एक्स की जगह टू पुट कर दें, टू माइनस टू ज़ीरो, तो फॉर्म क्या है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया। इट मीन दैट हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, लिमिट, और लिमिट के लिए लिमिट का रूल, फर्स्ट रूल देखें, इसको मैं लिखूँ एक्स रेज टू पावर फाइव, थर्टी टू को लिख लेती हूँ टू रेज टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय नीचे देखें लीनियर फंक्शन एक्स माइनस टू, एक्स की डिग्री भी वन और टू की भी वन। अब यहाँ पे कंपेयर कर लें इसके साथ, एक इसके इक्वल है टू के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, किसके इक्वल, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अब आपके पास एन की वैल्यूज़ क्या है, फाइव, ए की वैल्यूज़ क्या है, टू, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन फोर, टू की पावर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन फाइव से मल्टीप्लाई हुआ एट्टी। तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड जो आपका रूल है वो क्या है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल कहाँ पे होगा, पावर में। एक्स किसको फिक्स, एक्स किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। एक्स किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे क्या होगा, फिक्स वन। और जो आपके पास कॉन्स्टेंट की पावर होगी एक्स, वही डिनोमिनेटर में क्या हो रहा होगा, डिवाइड। तो किसके एक वक्त है, लोग एक। अब यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके देख लें, आपके पास यहाँ पे भी जो फॉर्म बनेंगी वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ज़ीरो, इनवैलिड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को यूज़ और लिमिट का रूल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ए के आ गया यहाँ पर टू, वेरिएबल पावर में, माइनस का साइन भी आ गया, वन भी आ गया, और जो टू की पावर थी वही डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। लिमिट अब फाइंड करनी है, आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर ले, टू रेज टू पावर ज़ीरो, किसी टर्म की पावर ज़ीरो, आंसर वन, वन माइनस वन ज़ीरो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। इट मीन दैट कि अब हम ये वाला रूल लगाएंगे, ए क्या है, किसके एक बार होता है, लॉग ए के, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू, कंपेयर कर लें, ए की जगह टू पुट कर दें, लॉग टू। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, है ज़ीरो, ए क्या आ गया, थ्री, टू रेस, एक वेरिएबल में क्या आ गया, टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एक्स। अब आपने ये देखना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वही डिनोमिनेटर में डिवाइड होना चाहिए। यहाँ देखिए आपके पास क्या, टू एक्स, लेकिन नीचे टू नहीं है, टू लाने के लिए आपने क्या करना है, टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये आपने डिवाइड कर दिया और ये आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। हमें टू चाहिए था यहाँ पे, इसलिए हमने टू से मल्टीप्लाई किया, और अगर मल्टीप्लाई किया तो उस नंबर से हमने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब रूल अप्लाई करें तो वन बाय टू के अलावा ये पूरी वैल्यूज़, आपके पास एक ही वैल्यूज़ थ्री है,
लॉग थ्री वन बाय टू, वन बाय टू को कर लीजिए टू ओवर वन, लॉग थ्री टू लॉग थ्री। थर्ड रूल जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिक्स ही ई फिक्स होगा, ई की जो पावर है वो वेरिएबल होगा एक्स, एक्स जीरो को अप्रोच करेगा फिक्स, और ई की जो पावर वेरिएबल में पावर में वेरिएबल होगा, और जो पावर में वेरिएबल होगा वही नीचे क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में डिवाइड। इसका आंसर किसके ऊपर होता है वन के, क्योंकि यहाँ पे भी जब आप एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो आपके पास फॉर्म क्या बनेगी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ई रेज टू टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स। अब देखें एक्स जीरो को भी अप्रोच कर ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया, वेरिएबल पावर में आ गया, लेकिन जो आपके पास ई की पावर है वही डिनोमिनेटर में डिवाइड हो, माइनस भी आना चाहिए और वन भी, वो भी आपके पास है। आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें किसी टर्म की पार ज़ीरो, आंसर वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो फिर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, रूल थर्ड लिमिट का, आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो ई रेस टू टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स किसके इक्वल वन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो ई रेस टू फाइव एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, माइनस भी है वन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लेकिन पावर में क्या फाइव एक्स, नीचे फाइव एक्स होना चाहिए डिनोमिनेटर में, जो कि नहीं है। क्या नहीं है, फाइव नहीं है, आपको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फिर फाइव से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी। अब वन बाई फाइव के अलावा ये पूरी जो आपके पास वैल्यूज है इसको इसके साथ कंपेयर कर लें तो किसके इक्वल वन के, वन बाई फाइव एज इट इज़। वन बाई फाइव को आप नोमिनेटर में ले जाएं फाइव ओवर वन, और किसके इक्वल फाइव के। फोर्थ रूल है आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिक्स साइन, साथ आपके पास क्या आएगा एक्स, और जो यहाँ पे वैल्यूज होगी साइन के साथ वही डिनोमिनेटर में क्या हो रही होगी डिवाइड। अगर यहाँ पे एक्स है तो नीचे भी क्या होगा एक्स, अगर यहाँ पे टू एक्स तो फिर नीचे भी क्या होना चाहिए टू एक्स। एक्स किसको अप्रोच करेगा ज़ीरो को, किसके इक्वल वन के, और ये इस तरह से भी वन के इक्वल होता है कि एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे। एक्स किसको अप्रोच करेगा ज़ीरो को ही, ये भी किसके इक्वल वन के। एग्जाम्पल देख लें, साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाई फाइव एक्स लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो, कंपेयर कर लें लिमिट एक्स ज़ीरो को अप्रोच करता है, साइन भी है, साइन के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है फाइव एक्स, यानी ये एंगल है और वही डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये फॉर्म आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसलिए हम इस पर लिमिट के रूल अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल आंसर किसके इक्वल वन के। नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो एक्स ओवर साइन सेवन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो यहाँ पे क्या है साइन सेवन एक्स, और ऊपर भी क्या होना चाहिए सेवन एक्स, यहाँ सेवन है नहीं है तो हम क्या करेंगे सेवन से मल्टीप्लाई, और अगर सेवन से मल्टीप्लाई किया तो सेवन से क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। तो वन बाय सेवन के अलावा जो आपके पास वैल्यूज़ है वो वन के इक्वल, और वन बाय सेवन से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आपके पास किसके इक्वल आ गया वन बाय सेवन के। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 में लिमिट के क्वेश्चंस हैं जिसमें ये रूल्स अप्लाई होने हैं वो आपने करने हैं।